नमस्कार, मैं हूं अर्शी शेख आपके साथ और आप देख रहे हैं सी टीवी न्यूज हर कदम खबर की। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताजा सुर्खियों पर, आपके पसंदीदा खबरें फटाफट। निवृत्त हुए पुलिस अधिकारी की दायित्व भावना आई सामने, नौकरी के पहले स्थान पर पहुंचकर जगाई यादें। नौकरी करते हुए कुछ लोगों का दिल अपने कर्तव्य स्थल से जुड़ जाता है, ऐसे ही 80 वर्षीय निवृत्त थानेदार ने अपने नौकरी के पहले गांव से सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर भेंट की। बालाजी झालटे नामक थानेदार ने जब अपने नौकरी के पहले गांव कोठारी से भेंट की तब वे भावुक हो उठे। झालटे फिलहाल मुंबई में रहते हैं। 1972 में वे कोठारी में सेवारत थे। झालटे की इस भेंट से कोठारी के थानेदार भी भावुक हो गए। इस बीच झालटे का पुलिस थाने की ओर से सत्कार किया गया। गढ़चिरौली के आरमोरी परिसर में बाघ की दहशत नहीं ले रही थमने का नाम। देलोड़ा गांव में एक बैल का किया शिकार तो दूसरा घायल होने की है खबर। खेत में चारा खा रहे बैलों पर बाघ ने हमला किया जिसमें एक की मौत हो गई, वही दूसरा घायल हो गया। रविवार को ये मामला सामने आया। पीताम्बर शिवनकर इस पशुपालक ने बताया कि इस संबंध में वन विभाग को सूचित किया गया है, जहां वन विभाग ने कैमरा टैप लगाए है। परिसर में इस घटना से दहशत व्याप्त है। खदान से 12 टन कोयला चुरा कर ले जाते ट्रक को पकड़े जाने की है जानकारी। सुरक्षा अफसर की शिकायत पर करहान पुलिस ने मामला किया दर्ज। इस मामले में दो आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। गोड़ेगांव कोयला खदान से ये कोयला चुरा कर ले जाया जा रहा था। चुराए हुए कोयले की कीमत 21 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने आरोपी भवर सिंह चौहान और फारूक अब्दुल्ला शेख को धर दबोचा है। सुरक्षा रक्षक ने गुप्त सूचना पर इन आरोपियों को दबोचा और पुलिस के हवाले करने की जानकारी है। गोंदिया के आमगांव समीपस्थ बोरखेड़ी में गाज गिरने से एक बैल की मृत्यु हो जाने की खबर। आमगांव परिसर में बीते 3 दिनों से बदरीले मौसम के बीच हवा तूफान शुरू है। इस बीच हल्की बारिश भी हुई। कल अचानक इसी तरह के माहौल में खेत परिसर में गाज गिर गई। इस बीच खेत में एक पेड़ से बंधे बैल की इसमें मौत हो गई। पशुपालक अरविंद डांगे ने बताया कि खेती का काम होने के बाद बैलों को उन्होंने बांध कर रख दिया था, ऐसे में अचानक वज्रपात होकर बैल की मौत हो गई। उन्होंने सरकार से तत्काल मदद की मांग की है। वनी के पास वनोजा देवी में हुई वाहन दुर्घटना में वाहन के दो टुकड़े हो जाने की है खबर। हादसे में एक की मौत हो गई। वाघड़ा पुलिया के पास अज्ञात वाहन ने दोपहिया को टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि दोपहिया के दो टुकड़े हो गए। वहीं दोपहिया चालक दिनेश गजानन मत्ते उम्र 48 की मौत हो गई। ये मामला कल शाम सामने आया। इस मामले में पुलिस ने कोई गिरफ्तारी नहीं की है। हादसे को अंजाम देकर वाहन चालक फरार हो जाने की है जानकारी। इस घटना से परिसर में गहरा शोक जताया जा रहा है। चंद्रपुर के विधायक ने मुख्यमंत्री के सामने फिर उठाया 200 यूनिट मुफ्त बिजली का मुद्दा। विधायक जोरगेवार ने विविध विकासात्मक मुद्दों के साथ अपनी ये पुरानी मांग भी दोहराई, जिसके बाद उन्होंने इस पर सकारात्मक आश्वासन मिलने की बात कही। मुंबई के मुख्यमंत्री निवास स्थान पर जोरगेवार ने चंद्रपुर की विविध विकास संबंधी समस्याओं पर चर्चा की। इसी बीच उन्होंने उद्योगों को सहूलियत के दरों में बिजली देने की मांग भी की। साथ ही चंद्रपुर के लोगों को ताड़ोबा के शुल्क में रियायत देने का प्रस्ताव भी उन्होंने रखा। चंद्रपुर में दोपहिया चोरों का आतंक है जारी। मुख्य मार्ग के चांडक मेडिकल स्टोर्स के पास से दोपहिया उड़ाने का मामला आया सामने। बताया जाता है कि 19 मई की रात किसी अज्ञात आरोपी ने पार्किंग में रखी काले रंग की हीरो स्प्लेंडर उड़ा ली। MH34AR2926 क्रमांक की ये दोपहिया मुख्य मार्ग से ही उड़ाए जाने से वाहन धारकों में दहशत फैल गई है। इसके पूर्व भी शहर में विविध भागों से वाहन की चोरी होने के मामले सामने आए हैं। तो सी टीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर में थी खबरें फटाफट, मिलते कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए सी टीवी के साथ। नमस्कार।